नमस्कार, मी राजाराम बापू पाटील रिक्षा संघटना अध्यक्ष श्यामराव मोकाशी आणि मी आता उभा आहे ते बोरोली वेस्टला उभा आहे। की आता आपला विषय आहे की मुंबईच्या रिक्षा जर विना परवानगी न घेता चेक नाक्याच्या बाहेर गेल्या किंवा विरा भाईंदरच्या रिक्षा थाना आरटीओकडून परवानगी न घेता मुंबईत आल्या किंवा मुंबईच्या रिक्षा वसई विरार कल्याण किंवा विरारच्या रिक्षा परवानगी न घेता मुंबईत आला तर त्यांच्यावरची कारवाई ही पक्कीच आहे, वरून आदेश आलेले आहे। मी एवढ्याच रिक्षावाल्यांना सांगणार आहे, तुम्हाला 4/3/2008 निर्णयानुसार तुम्हाला मुंबई महानगर क्षेत्रात मुक्त संचार करण्याची परवानगी दिलेली आहे, परंतु तुम्ही परवाना आरटीओवरनं घ्यावा लागतो आणि प्रत्येक आरटीओ कार्यालयातून तुम्हाला मुक्त संचाराचा परवाना दिला जातो। ज्यांच्या रिक्षा टॅक्सीच्या परवान्यावरती MMRTA असं लिहिलेलं आहे त्यांना तो परवाना तत्काळ दिला जातो, आणि ज्यांच्या परवान्यावरती MMRTA असं लिहिलेलं आहे त्या रिक्षा चालकाने मुक्त संचाराचा परवाना आरटीओमधून घेऊन येणं फार गरजेचं आहे। अनेक रिक्षावाले म्हणतात हम UP जात आहे, बिहार जात आहे, मराठी बोलत आहे, हम महाराष्ट्र में किधर भी जाता है हमको किधर का भी परवाना दिया है, ऐसा किसको भी परवाना दिया है। मैं रिक्शा प्रवासी को इतना ही विनंती करूँगा, ये रिक्शा में मुंबई महानगर क्षेत्र में 4.5 लाख रिक्शा है, उसमें 50,000 के ऊपर बनावट नकली ड्राइवर है। तो रिक्शा में बैठते समय देखना है जिसके गले में पीड़ा ओलख पत्र है वही असली ड्राइवर है, जो जिसके गले में ओलख पत्र नहीं उसमें आप बैठना नहीं, उसको बोलना है कि बाबा वो तू बनावट ड्राइवर है, सीधा बोलना है। अभी इसमें बेमनशाही इतनी है कि 30% रिक्शा का परमिट नूतनीकरण खत्म हो गया है, 30% रिक्शा का फिटनेस नूतनीकरण खत्म हो गया है, ऐसी बेकायदेशीर कितना गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है और एक धोखादायक व्यवस्था हो गई है। प्रवासी मैं इतना ही बोलूँगा आपको, आपको शासन ने 1.5 किलोमीटर का 23 रुपये भाड़ा तय करके दिया है, तो रिक्शा में बैठते समय ध्यान में भी रखना है कि बम्बई से तुम आप मीरा भाईंदर थाना विरार कल्याण जाते हो तो रिक्शा वाले को सीधा पूछना है तुम आरटीओ से परवानगी पत्र लाए ला है क्या, तो ही रिक्शा में बैठो। अपघात हो गया तो इंश्योरेंस वाला कुछ भी पैसा देता नहीं, और बनावट ड्राइवर इसलिए है कि उनके गले में ओलख पत्र होएगा, पीला ओलख पत्र आरटीओ से 50 रुपये भर के उनको मिलता है, वो वही उनका कोड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वही उसके गले में मंगता ही है, जिसके गले में नहीं उसको बिंदास आप बोल दीजिए बनावट ड्राइवर है, और रिक्शा का पेपर। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के सब जनता को मैं एक विनंती करूँगा कि यम परिवहन ऐप ये हर जन ने आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए, और रिक्शा में टैक्सी में कोई भी वाहन में बैठते समय उसका गाड़ी का नंबर खाली वो डाल दीजिए तो वो गाड़ी का स्टेटस मिलेगा आपको, और जिसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, फिटनेस खत्म हो गया है, वो धोखादायक गाड़ी है, उसमें बैठना नहीं, शासन ने आपको 23 रुपये भाड़ा फिक्स करके दिया है, आपका फोकट जाते नहीं, वो रिक्शा वाला भी आपके ऊपर मेहरबानी करता नहीं कि कानून से उसको धंधा दिया है, शासन ने निश्चित किया है, वो रिक्शा वाले की भी जिम्मेदारी है कि आपका गाड़ी का पेपर सही ढंग से रखना है। वाहतूक अधिकारी कार्रवाई करते ही है, दिन भर पकड़ते हैं, खाते हैं, एक एक के मोबाइल पे रिक्शा वाले के देखेगा तो 4-4, 5-5 हज़ार फाइन है, तो भी ये लोग कानून से चलते नहीं। इसके लिए मैं रिक्शा प्रवासी को इतना ही आज बोलूँगा, आह्वान करूँगा, अपनी सुरक्षा अपन संभालना है। आपके मोबाइल में यम परिवहन ऐप डाउनलोड कर दीजिए, और कोई भी वाहन में प्रवास करना है तो उसका स्टेटस देखिए, यम परिवहन यहाँ वाहन पे खाली गाड़ी नंबर डालेगा तो उसका स्टेटस सामने आता है, जिसका स्टेटस सही है वही वाहन में बैठ के आप सुरक्षित प्रवास करिए। धन्यवाद। मूछ वाले मोकाशी, YouTube पहा, लाइक करा, शेयर करा।